नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नेहा की पाकशाला में। आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों की खास और हम सभी की फेवरेट मूंगफली की चिक्की, जो कि खाने में जितनी टेस्टी होती है उतनी ही सेहतमंद भी है और बनाने में बहुत आसान है। तो चलिए मूंगफली की चिक्की बनाना शुरू करते हैं। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम गुड़ लिया है, जिसको कि मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है, जिससे कि जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। साथ ही में मैंने यहाँ पर ली है 250 ग्राम भुनी हुई मूंगफलियाँ और 1 टेबलस्पून घी। मूंगफलियों को मैंने ड्राई रोस्ट करके उनका छिलका निकाल लिया है। सबसे पहले कढ़ाई में हम गुड़ डालेंगे और साथ ही में 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे। गैस को मीडियम लो रखना है और बीच बीच में चलाते हुए हमें गुड़ की चाशनी बना करके तैयार करनी है। ध्यान रखें कि आंच ज़्यादा तेज ना हो, वरना गुड़ जल जाएगा। अभी आप देखिए गुड़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, तो बस आप लगातार इसको चलाते रहें, जिससे कि गुड़ जलेगा नहीं। गुड़ पूरा मेल्ट हो गया है, तो अभी हमें इसे लगातार चलाते हुए सही से पकाना है, क्योंकि अगर गुड़ सही से पक जाएगा ना, तो हमारी जो चिक्की है वो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया और एकदम मार्केट जैसी बनेगी और दांतों में भी नहीं चिपकेगी, एकदम टॉफी की तरह टूटेगी। अभी आप देख सकते हैं कि गुड़ में काफी झाग आने लगा है। अभी हम गुड़ को 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे और लगातार चलाते भी रहेंगे। 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि गुड़ का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है और जो इसमें झाग था वो भी काफी कम हो गया है। तो एक बार हम इसको चेक करेंगे। उसके लिए मैंने 1 कटोरी में पानी लिया है, इसमें गुड़ की चाशनी थोड़ी सी डालेंगे और अलग रख देंगे ठंडा होने के लिए। गैस को अभी एकदम लो फ्लेम पे कर देंगे और गुड़ को लगातार चलाते रहेंगे। तो देखिए जो गुड़ है वो इस तरीके से टूट रहा है, बिल्कुल भी खिंच नहीं रहा है, मतलब कि जो गुड़ है वो अच्छे से पक चुका है। तो अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और जो भुनी हुई मूंगफलियाँ हैं वो हम गुड़ की चाशनी में डाल देंगे। जल्दी से मूंगफलियों को फटाफट से गुड़ की चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूंगफलियाँ गुड़ की चाशनी में अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो ये ग्रीस किए हुए बटर पेपर के ऊपर हम जल्दी से चिक्की के पूरे मिक्सचर को डाल देंगे। बेलन को भी मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है घी से, इससे हम चिक्की को अच्छे से रोल कर लेंगे। मोटे पतले जैसे पीसेस आपको चाहिए हो चिक्की के, उस हिसाब से आप इसको रोल करें। और ये काम थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, बहुत ही जल्दी जल्दी करेंगे, जिससे कि ये सही से रोल हो जाए। रोल करने के बाद गरम गरम चिक्की के ऊपर ही हम नाइफ से कट्स लगा देंगे। छोटे बड़े जैसे पीसेस चाहिए हो आप उस तरीके से कट्स लगाएं, जिससे कि जो चिक्की के पीसेस हैं वो एकदम परफेक्ट निकलेंगे। ठंडे होने पर आप इस पर कट्स नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये सेट होकर हार्ड हो जाएगी। कट्स लगा दिए हैं हमने इस पर, और अब हम चिक्की को सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। चिक्की बहुत ही बढ़िया से सेट हो चुकी है, तो अब हम इसके पीसेस निकाल लेते हैं। हमने जो कट्स लगा दिए थे ना पहले इस पर, उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो चिक्की के पीसेस हैं वो एकदम परफेक्ट निकल रहे हैं और बड़ी आसानी से निकल जा रहे हैं। और एक पीस मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया हमारी चिक्की बनकर के तैयार हुई है और ये दांतों में भी नहीं चिपकेगी, तो लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी मूंगफली की चिक्की। और कोई यकीन करेगा इसको देखकर कि इसको हमने घर पर बनाया है। सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप इस चिक्की को बनाएंगे तो यकीन मानिए आपकी भी चिक्की इसी तरीके से एकदम परफेक्ट बनेगी। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी मूंगफली की चिक्की की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।